सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे। ये कनाडा के निवासी थे और इन्होंने वर्ष 1977 में अपने इस सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपना प्रयोग बाबी डाल और जीवित जोकर जैसी फिल्मों के से किया। इनके सीखने का आधार अनुकरण के द्वारा ही सीखना था। इन्होंने बताया कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इन्होंने इस सिद्धांत में पोषण पर बल दिया और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने इस प्रक्रिया का निर्माण किया। इन्होंने प्रक्रिया में बताया कि रोचक मॉडल द्वारा आकर्षण, जिसे इन्होंने अवधान की संज्ञा दी। इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या कोई निरीक्षण करता अपना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई मॉडल बनाया जाए तो वो मॉडल जितना अच्छा होगा, जितना लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, लोग उसकी तरफ अपना ध्यान देंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि व्यवहारों को प्रतिमान के रूप में ग्रहण करना। तीसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण। इसमें बताया गया कि जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे हम पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, पुनर्वरण, जहां सकारात्मक पुनर्वरण मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करते हैं और नकारात्मक पुनर्वरण मिलने को उस कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं। ये इसके सीखने की प्रक्रिया के चार पार्ट थे। इनके उपनाम की बात करें तो मॉडलिंग का अधिगम सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षात्मक सिद्धांत। ये अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के